तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो 3.3 मिलियन का टोटल इम्प्रेशन है और टोटल ऑडियंस है 1.25 मिलियन की। और ये देख सकते हो यार इंगेजमेंट है 113K का और इंगेजमेंट और इंगेज ऑडियंस है 89K। तो एक ये मैंने करा है 90 डेज़ के अंदर। तो ये कैसे करना है, कैसे इतना आपको इम्प्रेशन जनरेट करने हैं, उसके बारे में आज हम बात करें, ट्रैफिक को जनरेट करेंगे। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांकर, आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टेक। और यार आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि अपनी वेबसाइट में पिंटरेस्ट के थ्रू ट्रैफिक को कैसे जनरेट करना है। तो जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो आपने देख ली होगी, उसमें भी मैंने ऑर्गेनिक ट्रैफिक बताया था कि आपको अपनी वेबसाइट में कैसे लाना है, उसको भी जरूर देखना इस वीडियो के बाद। तो अभी इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं ट्रैफिक को जनरेट कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, अब आपको मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ अपनी वेबसाइट के बारे में। तो जब ये देखोगे इसमें ये 90 डेज़ में मैंने 3.3 मिलियन के इम्प्रेशन क्रॉस किए हैं, टोटल ऑडियंस 1.25 मिलियन की यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ डेज़ करके, ये 90 डेज़ है। तो अब यहाँ पे चलते हैं 60 डेज़, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा देगा, अब देख सकते हो 60 डेज़ में 2.71 मिलियन का। और ये ज़्यादा पुरानी वेबसाइट नहीं है, तो अराउंड 4 मंथ्स 5 मंथ्स एगो की वेबसाइट है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो लास्ट 30 डेज़ में 1.43 मिलियन का ट्रैफिक यानी कि इम्प्रेशन मिला है मेरे इस पर्टिकुलर पिंटरेस्ट अकाउंट पे। तो आप भी ये चीज़ को कर सकते हो, कैसे करना है इसी वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो यार वीडियो को स्किप कहीं पे मत करना, वीडियो स्किप करोगे तो आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर आपको ट्रैफिक नहीं मिल पाएगा। तो ट्रैफिक चाहिए, अपनी वेबसाइट में नए हो, ट्रैफिक चाहिए, तो ये वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना। तो यार डायरेक्टली चलते हैं मेरे अकाउंट पे जो शिवा हिंदी टेक पर। अभी आप शिवा हिंदी टेक के अकाउंट में जाओगे तो इसमें भी आप देख सकते हो यार अभी अभी मेरे अकाउंट में 8.8K इम्प्रेशन आने स्टार्ट हो गए हैं। तो भी आप देख सकते हो यार मेरी ग्रोथ देखो 10,901% इंक्रीज़ हुआ है इम्प्रेशन में, ठीक है। जबकि इसके मतलब मैं इसमें कभी काम करता ही नहीं हूँ, बहुत रेयर है, मैंने ये पोस्ट ऐसे ही शेयर कर दिया था। तो भी आप देख सकते हो यहाँ पर 6K का इम्प्रेशन इस वाले पे है और 1.5K का इस वाले पे है। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो, बट इन पे क्लिक्स बहुत कम पड़ते हैं। लेकिन हाँ, आपकी वेबसाइट के लिए एक अच्छा खासा ट्रैफिक आपको देखने को, ट्रैफिक नहीं, एक अच्छी खासी वैल्यू देखने को आपको मिल जाती है। तो इस पे भी ज़रूर काम कीजिए। अगर आपकी वेबसाइट सायरी फ़ोटोज़ जिसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं उस पे है, तो डेफिनेटली यार इस पे आपको काम करना चाहिए और आपको यहाँ से बहुत सा ट्रैफिक मिलेगा। आपको एक चीज़ और दिखाया था उसमें, तो अभी आप यहाँ पर देखोगे, एक मिनट आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इसी से रिलेटेड। तो अभी आप यहाँ देखोगे, मैं आपको दिखाया था, आपको यहाँ पर लास्ट 90 डेज़ का दिखाया था। पहले यहाँ पे लास्ट 90 डेज़ पे जाते हैं, तो अब आप यहाँ पे देखोगे ना कोई भी ट्रैफिक नहीं है। 90 दिन में मेरे को सिर्फ 1000 का भी ट्रैफिक पूरा नहीं मिला था। अभी मेरा मंथली ट्रैफिक 8.3K यानी इम्प्रेशन, सॉरी ट्रैफिक बोल रहा हूँ मैं, इम्प्रेशन 9908K हो चुका है, 9.08K यानी कि 9000 पहुँच चुका है। और मैं देखता हूँ, सिंपल चलते हैं यहाँ पे से अपने एक हफ्ते में, ठीक है, ये मेरा बड़ा है एक हफ्ते में, क्योंकि मैंने अभी वो जस्ट पोस्ट डाला तो 8.7K यानी कि 8,750 का ट्रैफिक मेरे को अभी मिला है एक हफ्ते के अंदर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आपकी वेबसाइट सायरी इमेजेस जिसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस वो है। तो अब आपको बताऊँगा कि किस तरीके से पब्लिश करना है, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब डायरेक्टली चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। जैसे ये मेरी साइट है शिवा हिंदी टेक, ठीक है, इसको सबसे पहले आपको इसमें अपना यूआरएल को क्लेम करना है। यहाँ पे जाओगे एडिट पे, एडिट पे जाने के बाद आपको जाना है क्लेम यूआरएल में, और यहाँ पर जो ये है यहाँ पर इसे क्लेम करना है, यानी कि अपनी वेबसाइट को यहाँ पर डाल के क्लेम करना है। क्लेम करने के बाद आपको यहाँ पर एक टिक मिल जाएगा यानी कि आपकी वेबसाइट वेरीफाई होगा। वेरीफाई करना ईजिली है, आप लोगों को सबको पता होगा, हेडर पर इसको लिंक को डालना है, यहाँ पर एक कोड मिलता है उसको हेडर पर डालना है थीम के, तो ईजिली हो जाएगा यानी कि हेड पार्ट में डालना है। अब बात कर लेते हैं कि यार ट्रैफिक को किस तरीके से जनरेट करना है अपनी वेबसाइट पे। सपोज़ मेरी वेबसाइट है शिवा हिंदी टेक, तो सबसे पहले आप जाओ इस पे यानी कि अपने बिजनेस इस पे पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ न्यू पिन एंड शेयर योर आइडिया। तो यहाँ पर पिन क्रिएट करें तो इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा। अब मैं एक किनारे पर खोलता हूँ अपनी वेबसाइट शिवा हिंदी टेक, ओके, तो मेरी वेबसाइट हो रही है ओपन और ये वेबसाइट हो गई ओपन, ठीक है, मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। और मैं ले लेता हूँ कोई भी
आर्टिकल, सपोज मैं ले लेता हूँ वर्डप्रेस नल थीम क्या है और इसको यूज़ क्यों करना चाहिए, यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैंने ये वाला ले लिया, तो इसको कर देते हैं क्लोज। मैं आपको, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का जो लिंक आपने लिया है उसको यहाँ पर पेस्ट करके आपको इमेजेस अपलोड नहीं करनी है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, काफ़ी लोग यहाँ पर गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, वो इमेजेस को अपलोड करते हो। अगर आप इमेजेस अपलोड करोगे तो आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएंगे। इमेजेस कभी भी अपलोड नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर जो आर्टिकल में आपने लिखा है उसकी फर्स्ट लाइन्स आपको यहाँ पर लिख देनी है। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ, सपोज ये मेरा टाइटल है, तो मैं टाइटल को यहाँ पर डाल देता हूँ, एड योर टाइटल, ठीक है। और यहाँ पर भी अपना टाइटल या कोई भी मेन जो आपका कंटेंट का कीवर्ड है वो यहाँ पर होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसके बारे में लिख दिया, थोड़ा बहुत आपने लिख दिया। उसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर हैशटैग यूज़ करने हैं, दो या तीन हैशटैग आपको यूज़ करने हैं। मैं यूज़ कर लेता हूँ वर्डप्रेस नल थीम, वर्डप्रेस एंड थीम। तो इस तरीके से मैंने तीन कीवर्ड यूज़ कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, जाना है यहाँ पर सेलेक्ट में। सेलेक्ट में जाने के बाद अब आपको पर्टिकुलर वो कैटेगरी में आपको डालना है। अब आपके पास अगर सपोज नहीं है, मैंने वर्डप्रेस से कोई कैटेगरी नहीं बना रखी है या बना रखी है, तो आपको यहाँ पर करना है सेलेक्ट। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाओ क्रिएट बोर्ड में और यहाँ पर से इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैंने वर्डप्रेस थीम के ऊपर बनानी है, वर्डप्रेस थीम क्रिएट करते हैं, उसके बाद क्रिएट भी चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी वर्डप्रेस थीम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसे सिंपल से आपको कर देना है पब्लिश। जैसे आप पब्लिश कर दोगे उसके बाद अब आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं सी इट नाउ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको ये चीज़ चेक कैसे करनी है, पर्टिकुलर प्रॉपरली पोस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। आपको देखना है यार कि ये यहाँ पर आपकी हेडिंग है नहीं है। आपको यहाँ पर चेक करना है जो आपने लिखा है वो यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हो। और उसके साथ साथ आपको यहाँ नीचे आना है और यहाँ पर नीचे देखोगे आपको जो आपने डिस्क्रिप्शन डाला था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके साथ साथ जो आपके हैशटैग हैं वो भी यहाँ पर हाईलाइटेड होने चाहिए। अब आपके हैशटैग हाईलाइटेड होंगे तभी जाके फ़ायदा। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर दिखा रहा है गूगल पीपल कार्ड के अंदर ये सेव हो रखा है। तो अभी यहाँ पर आपको चेंज करना है और इसे करना है वर्डप्रेस थीम के अंदर, ठीक है। अब आप ये कर देंगे, उसके बाद डन आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं ये हमारी वर्डप्रेस थीम के अंदर गया है या नहीं गया है। तो चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं, चलते हैं यहाँ पर बोर्ड्स के अंदर और आप यहाँ देखेंगे वर्डप्रेस थीम के अंदर ये ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ, आपको ये नहीं करना है कि हर एक, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो और आपको बोर्ड्स बनाने हैं, हर एक आर्टिकल के लिए बोर्ड्स बनाने हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। अगर आप लिख रहे हो लव शायरी, लव शायरी के लिए एक अलग से बोर्ड बना दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बोर्ड बना दो लव शायरी, लव शायरी के लिए एक बोर्ड बना, जितने लव शायरी से रिलेटेड आर्टिकल है वो एक ही बोर्ड के अंदर डालो। और आपको सपोज़ मैं एक शायरी के एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, लव शायरी के सारे एक के अंदर। और दूसरी चीज़ की बात करूँ, अगर आपकी वेबसाइट है बॉलीवुड फ़ोटोज़ की, सपोज़ आप एक्ट्रेस की या जो मॉडल्स हो गए या उनकी फ़ोटोज़ को आप शेयर करते हो अपनी वेबसाइट में, तो उसकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी बना दो उस तरीके से, यानी कि एक बोर्ड बना दो। जैसे कि सपोज़ कैटरीना कैफ है, कैटरीना कैफ का एक पर्टिकुलर फोल्डर बना दो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैटरीना कैफ की फ़ोटोज़ और उसके अलावा उसका दूसरा फोल्डर नहीं बनाना है। कई लोग क्या करते हैं कि यार फोल्डर पे फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर पे फोल्डर हर एक आर्टिकल के लिए। वो एक बहुत बैड हैबिट होती है और उससे आपको बेनिफिट नहीं बल्कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है पिंटरेस्ट की नज़र में। तो यार अगर आपको भी ऐसा ही ट्रैफिक चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और बस यार, और चैनल को बिल्कुल भी मत बोलना सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो ना तभी जाके मोटिवेशन आता है। सब्सक्राइब कर दो, घंटी के बटन को दबा दो, कोई और डाउट होता है नीचे कमेंट करके डेफिनेटली पूछ लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।